हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो बेटे, हम लोग एक केस स्टडी पे आज चर्चा करेंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील की एक केस स्टडी। उससे पहले कि केस स्टडी को मैं शुरू करूं, मैं आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील बताना चाहता हूं। बेटा, मेरा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। कैरेक्टरिस्टिक का नाम था सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे कंपनी के, या कंपनी के जो भी काम होंगे, वो सारे कंपनी के नाम पे होते हैं। मतलब कंपनी अलग होती है और कंपनी से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, जैसे कि डायरेक्टर्स, एम्प्लॉई, सप्लायर्स, क्रेडिटर, एक शब्द में बोलूं तो स्टेक होल्डर्स, वो सब बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि सारे काम कंपनी खुद करे, क्योंकि कंपनी की एक कैरेक्टरिस्टिक और है जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी कोई भी काम खुद तो कर नहीं सकती, तो कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे वर्क करने के लिए कंपनी के डायरेक्टर्स और की मैनेजरियल पर्सोनेल, बड़े लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है जी। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स या कुछ लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाए कंपनी के नाम पे? किसके नाम पे? कंपनी के नाम पे। और अगर वो पकड़े जाए तो वो ये सोच सकते हैं कि भाई केस फाइल तो कंपनी के नाम पे होगा, हम तो बच जाए। तो अगर ऐसा है तो बेटे, इसके लिए एक टॉपिक आया, टॉपिक का नाम है लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील। व्हील मतलब होता है पर्दा, लिफ्टिंग मतलब उठाना, कॉरपोरेट मतलब कंपनी का। तो पर्दा उठाकर चेक किया जाएगा कि किस पर्सन ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कंपनी के नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। तो ऐसे ही उन बहुत सारे अलग अलग उसके अंदर केस स्टडीज हैं। उन सारी केस स्टडीज में से मैं एक केस स्टडी आपके लिए लेकर आया हूं। केस का नाम है बेटे सर डीन शॉ मैनेजिंग पेटेंट। इस केस का हेडिंग अगर आपको मैं बोलूं तो हेडिंग बोल सकते हो आप प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो ये डीन शॉ मैनेजी पेटेंट नाम का एक पर्सन था। उस पर्सन के पास बहुत पैसे थे बेटे, बहुत ही वेल्दी मैन था। लेकिन उसके दिमाग में कुछ ऐसा चलता था, ये चल रहा था कि वो अपने पैसों से इनकम कमाना चाहता था बिना इनकम पर टैक्स देकर। तो रूल क्या होता है, जब भी हम इनकम कमाते हैं तो हमें अपनी इनकम पे क्या देना होता है? टैक्स देना होता है। तो मिस्टर डी नाम का पर्सन, उसने एक बहुत बढ़िया खेल खेला। अब वो खेल क्या है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मिस्टर डी ने सबसे पहले क्या किया, उसने चार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया, मतलब इनकॉर्पोरेट करवाया। बेटा, उन चार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जिसको रजिस्टर्ड करवाया, उनका कोई और बिजनेस नहीं था। अब किया क्या, मिस्टर डी ने अपने सारे पैसे उस चार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू जो है वो इन्वेस्ट करवाए। तो जब भी यहां पर आप देखो, सेकंड इन्वेस्टमेंट है, और जब भी इन्वेस्टमेंट होती है तो इन्वेस्टमेंट पे रिसीव होता है क्या, डिविडेंड और इंटरेस्ट। तो जहां पर उन चार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया था, वहां से उनको डिविडेंड मिला और इंटरेस्ट मिला। अब डिविडेंड और इंटरेस्ट जब वो रिसीव कर रही है प्राइवेट कंपनीज, तो उन प्राइवेट कंपनी ने वही वाला डिविडेंड और इंटरेस्ट मिस्टर डी को लोन के रूप में दे दिया, और जिस लोन का कभी भी रीपेमेंट नहीं किया गया। तो यहां पर पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम बनाया मिस्टर डी ने कि वहां पर वो अपने पैसों पर रिटर्न भी कमा ले और उसको टैक्स भी ना देना पड़े। तो बेटे, लोन पे तो टैक्स कभी होता नहीं है। तो ऐसे में इनकम टैक्स वालों का दिमाग चकराया और कोर्ट का जजमेंट यह आया कि कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय द असेसी प्योरली एंड सिंपली एज अ मीन्स टू अवॉइड टैक्स, एंड द कंपनी वॉज नथिंग मोर देन द असेसी हिमसेल्फ। वो जो कंपनी थी वो खुद असेसी यानी कि मिस्टर डी ही थी, उसी को माना गया और मिस्टर डी को लाइबल ठहराया गया। तो ये है बेटे हमारा केस डीन शॉ मैनेजिंग पेटेंट वर्सेस सीआईटी। तो थैंक यू सो मच बेटे, ऐसे ही आप देखते रहें, और आपके लिए अगले टॉपिक्स में जल्दी लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच।